जशपुर जिले के पत्थलगांव नगर पंचायत में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुचिता एका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 11 पार्षदों ने कलेक्टर से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। फिलहाल पत्थलगांव नगर पंचायत में आगामी 24 जनवरी को पार्षदों द्वारा मतदान किया जाएगा, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि बीजेपी शासित नगर पंचायत में पार्टी अपने अध्यक्ष की कुर्सी बचा पाएगी या नहीं। दरअसल पत्थलगांव नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं, जिसमें 9 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 निर्दलीय और 5 कांग्रेस के पार्षद हैं। नगर पंचायत पत्थलगांव में बीजेपी के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कुछ दिनों से नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ भाजपाई पार्षदों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्याम नारायण गुप्ता ने अपने ही अध्यक्ष पर कमीशनखोरी और विकास विरोधी होने का आरोप ही लगाया है और पार्टी से बगावती तेवर अपनाते हुए अपने 5 समर्थक पार्षदों और 5 कांग्रेसी पार्षदों के साथ कलेक्टर से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद पत्थलगांव नगर पंचायत में खलबली मच गई है। और मैं अपने पार्षदों से मिला तो मुझे मालूम चला कि वे उन्हें बुला फुसलाकर कि हम कलेक्टर से पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए कुछ नया पैकेज लेकर आएंगे काम के लिए, ये बोल के ले आया गया है। और वे लोग भी कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि मना अविश्वास प्रस्ताव की हम बात रखे हैं। किसी प्रकार की पार्टी के विरोध काम नहीं किया, हमने भ्रष्ट अध्यक्ष को उतार फेंकने की ठानी है और इसे उतार फेंकेंगे। उसके बाद पार्टी हाईकमान जो भी बोलेगी, जिसको भी बोलेगी, निर्णय लेगी कि भाजपा के ये व्यक्ति को चुना लड़ाई जाए, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उसे एकमत से अध्यक्ष बनाएंगे, परंतु अभी जो वर्तमान में सुचिता का अध्यक्ष है, उस भ्रष्ट अध्यक्ष को उठार फेंकने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। भाई सभी पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे होंगे, इससे असंतुष्ट भाई विकास तो चाहिए ही, तभी तो अगले बार जाके कोई भी वोट मांगेगा, चुनाव लड़ेगा, तो नहीं हो रहे होंगे। तो इससे असंतुष्ट रह के और सभी पार्षद मिल के पार्टी ही से हल घट के अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा गया है।